हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11th बेटा ऑफ एक्सरसाइज 6.5। ओके, 6.5 क्वेश्चन नंबर 11th बेटा मेरे पास हो गए। फॉर दैट बेटा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन। हाँ जी, इन द क्वेश्चन नंबर 11th इट इज रिटन दैट बेटा, इट इज गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू 1 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। उसने कहा कि फंक्शन जो है वो वैल्यू 1 पे मैक्सिमम लेके आता है। व्हाट डज इट मीन्स कि मेरे पास वो अगर 11th में देखूं, एफ ऑफ एक्स कितना दे दिया, एक्स पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 है ना। तो अब एफ डैश एक्स करो। हाँ जी, 4x³ माइनस 124x प्लस ए। हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट वैसे कैलकुलेट करते हैं ना, ये 9 है। हमारे पास क्या होता है कि उसने कहा कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे, अगर 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है दैट मींस मेरे पास मैं एफ डैश 1 देखूं तो कितना हो गया, 4 माइनस 124 प्लस ए दैट इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, माइनस 120 प्लस ए इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 120। ओके जी, ठीक है जी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12th 13th 14th। ये सारे सेम क्वेश्चन है, 12 13 14 कोई एक कर लेते हैं और ऐसा एग्जाम। हाँ जी, 15th भी सेम है, बिल्कुल जी बिल्कुल, इवन 16th भी सेम है, कोई एक कर लेते हैं। लेट अस डू एनी वन, आप बोलिए कौन सा करें। ओके जी, 13th कर लेते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13th बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 13th में देखिए बेटा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। दो नंबर्स हैं उनका सम 24 है एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब क्या है, हमने इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है जेड दैट इज एक्स वन, बट इट डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। किसी एक में चेंज करेंगे, कहां से निकालें, यहां से निकालो। तो वाई इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, पुट हियर 24 माइनस एक्स। मेन तो यही मुश्किल होता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में, एक वेरिएबल में चेंज करना। कर दिया, जो लास्ट टाइम केस स्टडी की थी ना इस पर बेस्ड, उसमें पता क्या था हमारे पास कि पहला स्टेप वो पूछ सकते थे, हाँ जी फंक्शन क्या बना इन एनी वन वेरिएबल, तो ऑप्शन दी हुई थी, तो पहला स्टेप ये था। फिर अगला स्टेप क्या पूछते थे, क्रिटिकल वैल्यूज निकालो जहां जहां पे मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। तो क्या करते थे, एफ, अब मेरे पास जेड है ना, जेड एक्स पे डिपेंड करता है, तो जेड डैश एक्स क्या करें, 24 माइनस 2x, ठीक है। तो जेड डैश एक्स को क्या करते थे, इक्वल टू 0। तो मेरे पास जेड जो है डैश एक्स इक्वल टू 0 किया तो 24 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू 24, x कितना आ गया बेटा, 12। ओके जी, क्रिटिकल पॉइंट एक ही निकला, ठीक है। सेकंड ऑप्शन मतलब के क्वेश्चन ही होता था, व्हाट आर द क्रिटिकल वैल्यूज, हो गया ना, क्रिटिकल वैल्यूज निकल आई। अब उसने कहा कि चेक करो कि ये मैक्सिमम या मिनिमम हमने देखना है ना, तो डबल डेरिवेटिव निकाले, एफ डबल जेड डबल डैश एक्स, मेरे पास क्या आएगा, माइनस टू। इसने जो है किस पॉइंट पे देखना है, 12 पे रहना तो माइनस टू ही है, लेस देन 0 या, देयरफॉर मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 12 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है मेरे पास जो है, दैट इज अगर एक्स 12 निकला है तो वाई भी कितना होगा, देखो 12 दैट इज मैक्स। ओके जी, वो ऐसी जो हमने स्टेप बाय स्टेप किया केस स्टडी में, वो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे पार्ट्स बना के बना दो। बात समझ आई बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चले बेटा आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट, बेटा मेरे पास हो गए
क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखें, अब मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, क्योंकि बाकी सब सेम है। अच्छा आप क्वेश्चन नंबर हम 12th भी कर लें, वो साइन कॉस में ना एक बार कवर हो जाएगा आपका। ओके पहले क्वेश्चन नंबर 12th करते हैं फिर करेंगे, क्योंकि बाकी सारे सेम है, एक बार क्वेश्चन नंबर 12th कर लेते हैं। हाँ जी लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12th बेटा। क्वेश्चन नंबर 12th में मेरे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मेरे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, दैट इज एक्स प्लस साइन 2x, और किस पे 0 to 2π पे, दैट इज रिटन देयर। ओके बेटा तो एफ डैश एक्स करें क्या हो जाएगा, 1 plus 2 cos 2x। ठीक है डबल डेरिवेटिव निकालना निकाल दो आपकी मर्जी है, मेन मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए यहां पर बताया कि क्रिटिकल वन। हाँ जी 1 plus 2 cos 2x इक्वल टू 0, तो cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब मुझे बताओ कि साइन की नेगेटिव वैल्यू मेरे पास हुआ 0 to 2π, cos की सॉरी नेगेटिव वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड एंड थर्ड, यानी दो बनते हैं यहाँ पर। पहले यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ cos जो है पाई माइनस 1/2 किस पे होती है 60 पे, यानी पाई बाय 3 पे, चेक कर लो एक बार cos की वैल्यू 1/2, जो साइन 30 की होती है तो cos 60 की होगी, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना हो गया cos, ये 2π/3, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ही होता है मेरे पास। ओके बेटा तो मेरे पास एक आ गया 2x इज इक्वल टू 2π/3, 2 कैंसिल, x की वैल्यू पाई बाय 3 एक आ गई। अब दूसरी चेक करें कि दूसरे में हम कैसे, क्या वो निकलती है कि नहीं निकलती, लेट अस सी। कि अब मैं देखूं लास्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, 2π-थीटा, सॉरी हमने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए cos 2x इज इक्वल टू cos पाई प्लस पाई बाय 3 यही आएगा। अब ये क्या हो गया, अगेन 2π/3, सॉरी 3 plus 1 4, ठीक है जी। तो ये cos 2x, तो x कितना आ गया 2π/3। देख लो x 0 to 2π में लाई कर रहे हैं ना, यानी दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव निकालो इसका, डबल डेरिवेटिव निकालो f डबल डैश x का। हाँ जी -2 sin 2x, एक 2 था एक और आ जाएगा 4 बन जाए। ओके जी ओके बेटा क्लियर, यहां तो कोई हाँ जी बेटा। अब बेटा मेरे पास जो है दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, मैंने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, अब मैंने चेक करना है कि इस डबल डेरिवेटिव पे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इस वैल्यू पे ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। लेट अस सी, मैं मैनुअली करके दिखा रही हूँ, मुझे पता ये नेगेटिव है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 2π/3 करूं, 2π/3 कितना हो गया मेरे पास 120। हाँ जी साइन 120 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना, यानी उस पे नेगेटिव आएगा। अब इस पे देखें तो जब मैं यहां पर करूंगी कितना हो जाएगा 4π/3। अब 4π/3 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई बाय 3 60 को 4 से करोगे तो 240 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, वहां पर तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाए, जो आपको कहा है वो कैलकुलेट करने में। बात समझ आई कि एंगल्स को ध्यान से कैलकुलेट कर। चलो बेटा क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा। हाँ जी दिव्यालीन, राणा, दमन, सुहानी, चले बेटा आगे चलिए। हाँ जी बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास अब ध्यान से एक पेपर दे दो बेटा मुझे। हाँ जी स्क्वायर पेपर कट करना, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर
17th, very very important. Okay, 17, 18 दोनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? दोनों को हम ध्यान से समझेंगे. पहले लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट दे हैव रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 17, लेट अस सी. दे राइट, देयर इज अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप. हमने ना ये एक पेज है मेरे पास, एक शीट है, ठीक है? इसकी साइड मुझे बताई गई है 18 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो दैट मींस फोर साइड्स आर इक्वल. इसको ना मैंने एक ओपन बॉक्स में टर्न करना है. टर्न करने के लिए उसने कहा कि चेंज करने के लिए, बनाने के लिए मैंने यहां पर कॉर्नर पे ना हर कॉर्नर से एक स्क्वायर ऐसे ऐसे एक स्क्वायर कट करना है. अब मैं ऐसे कट करूंगी ताकि बेटा मेरे पास जो है इसको ऐसे फोल्ड करूं, इक्वल स्क्वायर कट करने, ताकि ये देखिए ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक ओपन बॉक्स की तरह बन जाएगा. बना कि नहीं बना? छोटे होते आपको भी याद हो मैंने तो ये कट किया ना. नॉर्मली जब आप बॉक्स देखते हैं ना वो एक दूसरे के इधर टर्न कर देते हैं ताकि उसकी ग्रिपिंग पावर हो जाती है और ये खुलता नहीं. ओके, क्लियर बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो बेटा अब उसने कहा कि आप मुझे बताइए, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल. वो कहता है कि इसमें से कॉर्नर में से मैं कितना कट करूं. ओके बेटा, कितना कट करूं कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहे. जब मैंने ये बॉक्स बनाया, अब आप देखिए लेंथ इसकी ये, ब्रेथ इसकी ये, हाइट चेंज हो गई, लेंथ ब्रेथ सेम है, तो दैट मींस 100% ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया. अब ये क्यूबॉइड बना तो मुझे पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम मेरे पास एल वी एच होता है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. अब दैट मींस आई नीड एल वी एच. अब बेटा देखो मुझे एल चाहिए लेंथ, ब्रेथ. बेटा अगर क्यूब होता तो जितनी इसकी ये लेंथ और ब्रेथ है, हाइट भी ऊपर को उतनी होती ना, यहाँ हाइट सेम नहीं है ना, इसीलिए क्यूबॉइड बना. अब देखो जरा इसकी लेंथ, लेंथ जो थी इस बॉक्स की कितनी है सिर्फ, कितनी, एम आई राइट? जो मैंने फोल्ड किया तो लेंथ इतनी रहेगी ना. यानी अगर ये एक्स साइड है, ये भी एक्स है, ये लेंथ रही ना मेरे उसकी, बिल्कुल 18 minus 2x. ये सबको बात समझ आ गई? सेम यहां 18 minus 2x. चलो जी, लेंथ ब्रेथ तो हो गई मेरे पास. अब बात है हाइट की. अब आप देखिए अगर ये एक्स था, मैंने इसी को ऊपर को फोल्ड किया तो ये हाइट कितनी हुई, अकेली एक्स हाइट, हाइट वो तो एरिया हो गया, एक्स स्क्वायर इज द एरिया. किस स्क्वायर का, मैं फोल्डिंग की बात, इसको देखो जब आप इसको ऊपर कर रहे हो, ये जितना ये स्क्वायर की साइड है इतना ऊपर हुआ, तो ये हाइट कितनी होगी, ओनली एक्स, एक्स में ये देखो, देखो यहां पर देखो, तब तुम्हें ये हाइट थी, ये ऐसे फोल्ड हुई, ये एक्स था ना, दोनों का ऐसे हुआ ना, कोई ऊपर थोड़ा मर्ज हुआ, तो एक्स ही हुआ ना, ठीक है ना. तो दैट मींस हाइट मेरे पास कितनी हो गई, एक्स सेंटीमीटर. ओके, अब लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, मेन बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इसकी. हाँ, क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, सब कुछ एक्स में हो गया. देखिए एल इंटू बी, बी का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, हाइट हो गई एक्स, ये वॉल्यूम हो गया. किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, एक ही वेरिएबल पे हो गया कि नहीं, यही हमारा एम था ना, वी हैव टू कन्वर्ट द वॉल्यूम इन वन वेरिएबल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ
टेक डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव देन सेकंड कैलकुलेट क्रिटिकल पॉइंट, है ना, एक पूरा कर देते हैं उसके बाद हम छोड़ देंगे क्वेश्चंस को आगे, ठीक है, लेट अस कंप्लीट इट। अब जब मैं इसको करूंगी तो मेरे पास क्या आया बेटा, सबसे पहले वी डैश एक्स, हाँ जी प्रोडक्ट रूल लगी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, जिसको मर्जी ले लो, फर्स्ट एज इट इज ले लिया, मैंने तो इसका किया ही नहीं ना, प्रोडक्ट रूल लगना है ना, आप पहले कर लो, डजंट मैटर, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब पावर आगे जाएगी, एक पावर कम होगी साथ में अंदर का डेरिवेटिव, ओके। अब देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट तो सब कुछ हो गया, आई एम रबिंग दिस फिगर। अब क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बेटर होता है जो चीज कॉमन निकलती है ना, टेक इट कॉमन, उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो आई एम टेकिंग 18 माइनस 2x कॉमन, व्हेन यू टेक 18 माइनस 2x कॉमन व्हाट यू लेफ्ट हियर, लेफ्ट विद 18 माइनस 2x एंड देन माइनस माइनस हियर माइनस आफ्टर देन 2 टू द 4 4x इज देयर, एम आई राइट, ओके। नाउ 18 माइनस 2x this is 18 minus 6x, these are two critical जो है factors बन गए, इसको equal to zero करो, एक x की value 9 आई, एक x की value 2 आई, okay जी, यहां तक ठीक है, सबको समझ आ गया। अब मैं डबल डेरिवेटिव भी कर लेती, मेरे पास ये दो प्रोडक्ट आए, मैं इसी को डबल डेरिवेटिव करूंगी। बात ये है अगर मैं 2 पुट करती हूँ लेंथ में तो 4 और 16 माइनस 4 12, बट इफ आई पुट 9 लेंथ ब्रेथ क्या बन जाती है, 0, यानी x 9 वाला मैं ले ही नहीं सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो लेंथ और ब्रेथ को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है, तो उसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्टिंग दिस वाले, तो दैट मींस सिर्फ एक पे ही चेक होगा अब हमारा। चलो सबसे पहले डबल डेरिवेटिव निकाले, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सिक्स प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो माइनस टू आएगा, सॉल्व इट। हाँ जी, जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास यहां पर क्या आया बेटा, देखिए व्हेन आई सॉल्व इट, माइनस एट और फोर 108, हाँ जी प्लस 12x, हाँ जी माइनस 36 प्लस 12x, इट कम्स आउट टू बी दैट इज 14 माइनस 144 प्लस 24x। अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी, 2, 9 नहीं पुट कर सकते, ठीक है जी। अच्छा यहाँ क्वेश्चन अगर केस स्टडी में आए ना, दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट आर द वैल्यूज एट विच मैक्सिमम और मिनिमम वी कैन चेक and what value is to be used, दोनों में फर्क है। Critical value is to be used, आई दो critical values, 9 or 2, but use हम कौन सी कर सकते हैं, only one, that is 2, तो मतलब कई बार ऐसे question mold होके भी case study में आता है, तो उसको ध्यान से देखना है, कितनी values निकली पूछी है, कि the critical value that we need to be used, okay जी, तो अब बेटा मैं यहाँ पर पुट करूंगी डबल डेरिवेटिव पे, व्हेन आई पुट द वैल्यू 2 मेरे पास हो गए माइनस 144 और 2 पुट की तो 48, ये नेगेटिव ही आएगी, हाँ जी तो लेस देन 0, देयरफॉर जो है मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 and its maximum volume, वो क्या करेंगे यहाँ पुट कर, ओके जी फंक्शन यही है ना, यहाँ फंक्शन होता है वहां पुट करके, जो भी पूछो क्वेश्चन में केस स्टडी में आपसे क्या पूछा गया इस पे भी डिपेंड करता है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है के एट व्हाट पॉइंट द फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड, तो वो पूछा गया, तो प्लीज उन चीजों पे ध्यान से वर्कआउट, ओके कोई डाउट तो नहीं आता, चले बेटा आगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास हो गए, सेम क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 18 सेम, बट मैंने यहां पर स्क्वायर साइड ली थी जो शीट थी, अब कौन सी है, रेक्टेंगल है, तो दैट मींस 2x 2x दोनों लेंथ ब्रेंथ में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, हाइट तो x ही रहनी, सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो मैंने भी मार्क किया हुआ है, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर मैंने बच्चों को बताना है तो मैंने कोई एक ही बताना, तो आप भी मार्क करके रखो कि जब पेपर में करना है हमने एक पढ़ लिया दूसरा हमारा अपने आप होता है, ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट। अब बाकी सारे क्वेश्चंस में ना हर किसी में अलग मेथड है, कई बच्चे अलग अलग मेथड से करते हैं, आप जिस मर्जी मेथड से करो, अल्टीमेट एम मेरा जो है ना वो पता क्या है, एक वेरिएबल में चेंज करना, किसमें करना, वन वेरिएबल में, वो आपके थिंकिंग लेवल पे, कोई बच्चा एंगल से करता है, कोई बच्चा पाइथागोरस थ्योरम से, कोई साइड से, इट इज टोटली अप टू यू। नाउ लेट अस सी व्हाट क्वेश्चन इज, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 इफ आई सी, हाँ जी, व्हाट इज रिटन हियर इन द क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स्ड सर्कल। अब देखो फिक्स्ड सर्कल दे दिया, दैट मींस बेटा रेडियस इज कांस्टेंट, रेडियस वेरी नहीं कर रहा है, पहली बार, ठीक है जी, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम साइड जो है एरिया, मैंने स्क्वायर के एरिया को मैक्सिमाइज करना। अब जरा बात ध्यान से, मैंने पहले रेक्टेंगल ही बनाई, उसने कहा कि जितनी भी रेक्टेंगल्स यहां ड्रॉ की जा रही है उनमें से स्क्वायर, स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, कैसे, जब लेंथ ब्रेथ इसकी क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो कहता है कि स्क्वायर का ही मैक्सिमम एरिया है, यानी पहला काम मैंने एरिया को मैक्सिमाइज करना है, दूसरा स्क्वायर कब बनेगा, जब लेंथ और ब्रेथ सेम आएगी, यानी मैंने यहाँ प्रूफ करना है कि ये इसकी लेंथ और ब्रेथ वो क्या है, सेम है। अब बेटा मैं आपको बार बार कह रही हूं कि हम जिस मर्जी लेंथ मेथड से कर सकते हैं, मान लीजिए ये सेंटर है, ये रेडियस ए है कि नहीं, लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, मेरे दिमाग में तो यही चलता है, एरिया मैंने लेना था एल इंटू बी एक्स इंटू वाई, बट प्रॉब्लम क्या है, कैसे करें मैक्सिमाइज, दो वेरिएबल्स आ गए, इसको एक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 आया ना अपने आप ही दिमाग में, तो मैंने अप्लाई, मैं इसको ए बी सी डी नाम ले देती हूँ, जब मैंने लेबलिंग की तो बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फोर ए स्क्वायर, हाँ जी वाई स्क्वायर फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगर ए मैक्सिमम है ना तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम, स्क्वायर करने का क्यों बेनिफिट है, अंडर रूट में वाई की वैल्यू नहीं ना आएगी, आप चाहो तो y is equal to under root ये कर सकते हो, नहीं करना कोई बात नहीं, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, a maximum implies maximum area scale, वो भी maximum ही होगा, ठीक है ना, calculation easy हो जाएंगे, तो that means मैं a square की जगह पे मैं z ले लेती हूँ और x square y square कर देती हूँ, इसको a a square x square y square, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, x square as it is 4a square minus x square, देखो अंडर रूट नहीं ना है, नहीं आया ना मेरा बेटा, तो अब क्या करें, इसका डेरिवेटिव z dash, अच्छा इसको खोल ही लो, क्यों इतना प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम, इजी हो जाएगा, हाँ जी 4a square x minus 4x cube, हाँ जी डेरिवेटिव लिया ना, डबल डेरिवेटिव भी साथ ही ले लें, काम खत्म करें, तो 8a square minus 12x square,
आया? हाँ जी, अब मैं ये रब करने लगी हूँ फिगर, अब मैं ची नीड ही नहीं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हाँ जी z डैश x को जीरो के इक्वल, तो 8a² x - 4x³ = x, x 4x कॉमन है, तो 8a² - 4 कॉमन ले लिया तो 2 रह गया मेरे पास, x² = 0। ठीक है, अब देखिए मेरे पास दिस इंप्लाइज आइदर 4x = 0, x = 0 और x² = 2a², तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज x = √2a। आती प्लस माइनस है बट साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रिजेक्ट होगी तो मेरे पास x की वैल्यू, अब x की ही आई ना, तो अब इस पे यहाँ पुट करो और डबल डेरिवेटिव चेक करो। जब मैंने पुट किया किस वैल्यू पे, √2a पे, 8a² - 12, जब मैंने √2a² पुट किया, 8a² - हाँ जी 224a² माइनस ही बनेगी ना, ये नेगेटिव ही आएगी, 16 आएगी है ना, तो ये क्या है, लेस देन जीरो, तो दैट मींस क्या हो गई, मैक्सिमम होगी, किसको मैक्सिमाइज किया, z को, इफ z इज मैक्सिमम देन a इज मैक्सिमम, हो गया कि नहीं। देखो मेरी कैलकुलेट, जो बच्चा अंडर रूट से करेगा ना उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो उसका भी जाना है बट कैलकुलेशन हमने मिनिमाइज कर, ठीक है। अब मैक्सिमाइज तो प्रूफ कर दिया, रह क्या गया, क्योंकि स्क्वायर नहीं प्रूफ किया। अच्छा, अब मैंने अगर x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की थी, आपको बताई थी कि x की वैल्यू ये है, अब मैं यहाँ पुट करूं और y निकालू, ठीक है, तो जब मैंने पुट किया y² = मेरे पास हो गए दैट इज 4a² - x² किया तो 2a² बेटा, ये भी कितनी आई 2a², तो y कितना आया √2a, आया कि नहीं, फिर क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चले आगे, यही प्रूफ करना था। सारे क्वेश्चन में ऐसे खुद अपना दिमाग लगाओ, है डिफरेंट मेथड, कई क्वेश्चन हैं जिसमें याद रखना पड़ता है कि अगर ऐसा करे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, बट बेटर है कि जब नहीं निकलता तो उसको ग्राफ करें, अदरवाइज यूज योर ओन मैथ। ठीक है, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मेरे पास हो गए हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर नाउ दिस इज 20th क्वेश्चन नंबर, ओके। अब 20th क्वेश्चन नंबर में मेरे पास क्या दिया हुआ है, शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, गिवन सरफेस, गिवन सरफेस का मतलब क्या, कांस्टेंट है, अच्छा, और सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया, किसका, उसने कहा सिलेंडर का, मेरे पास होंगे अगर सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ, मैक्सिमम वॉल्यूम कब है, व्हेन हाइट इज इक्वल टू डायामीटर, सब कुछ आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। अगर डायामीटर मैंने डी ले लिया, हाइट मैंने एच ले ली, तो मैंने एच इज इक्वल टू डी प्रूफ करना है, कब, जब वॉल्यूम मैक्सिमम है, बट दिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया इज गिवन। अगर कर्व्ड लेता, लिखता तो कर्व्ड लेना है, सरफेस का एरिया का मतलब ही क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ओके जी, क्लियर। चलो जी, तो सबसे पहले जिसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वी ले लें, फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, अरे दो वेरिएबल्स आ गए ना, एक निकालना पड़ेगा ना, कहां से निकालेंगे, क्या गिवन है, कैसे लिख रहे, ये प्रूफ करना है, दिस आई नीड टू प्रूफ कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, जब एच और डी इक्वल, ये रह गया ना, ये यूज ही नहीं किया बेचारे को, दिया है यूज तो कहीं करेंगे,
है ना टोटल सरफेस एरिया गिवन इस पे लिखा है, मतलब कांस्टेंट। ओके जी, कंफ्यूजन होगी, हम ऐसे लिख देते हैं, गिवन वहां वर्ड लिखा था तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh + 2πR2, ये कांस्टेंट है, इसको a ले लें। अब कौन सी वैल्यू निकल आएगी यहां से, r निकल h निकल आएगा ना सीधे, तो मैं h निकाल रही हूं, a माइनस 2πR² / 2πR, ये h यहां पुट कर दे। r क्यों नहीं किया, क्योंकि आर स्केयर निकालती तो फिर भी आर की टर्म में ही आना था, फिर दो वेरिएबल्स रह जाने थे, इसीलिए आर स्केयर की वैल्यू पुट नहीं, ठीक है ना। तो बेटर हमें ऐसे ही होना था, तो पाई आर स्केयर, अब एच की वैल्यू पुट कर रही हूँ, ए माइनस 2πR² / 2πR, ओके जी, पाई पाई आर आर, ठीक है जी, आर इंटू ए माइनस 2πR² / 2, एक वेरिएबल में आ गया सब कुछ, एक कांस्टेंट है ना। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव, चलो जी ये चीजें हमें कुछ नहीं चाहिए, रबिट। नाउ v किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे, तो ar माइनस 2πR³/2, कर दे बेटा, नीचे 2 है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज मैं पाई बाय 2 दोनों में कॉमन लेके आर। हाँ जी, कहाँ कहाँ बेटा, ये आर से आर काट नहीं देता, आर जो अंदर था बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आर बचा था ना मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है जी। चलो अब आगे कर सकते हो ना, मेन तो है, हाँ जी, 1/2, ये लो जी a रह गया ऐसे ही माइनस, अब मैंने कॉमन कुछ नहीं लिया, सिर्फ ये 2 बाहर लिखा है, तो 2π³ और r² ओके जी। अब आगे कंप्लीट करना इस क्वेश्चन को, ठीक है जी, एंड ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्स, प्लीज ट्राई, ठीक है जी। ओके बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंप्लीट इट एंड वी विल मीट टुमारो।